वेलकम टू सोशल। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स बॉलीवुड में कई बायोपिक फिल्म्स दिखाई गई हैं, फ्रॉम फिल्म्स लाइक नीरजा टू फिल्म्स लाइक मैरी कॉम टू MS धोनी एंड संजू और मंटो। वी हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ बायोपिक फिल्म्स, लेकिन कुछ ऐसी बायोपिक फिल्म्स हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। दीज आर फिल्म्स विच पीपल डोंट नो कि वो किसकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। For example, very few people know that Maniratnam's Guru is loosely based on the life of Dhirubhai Ambani. और in fact, ये तो बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि राजी मूवी का प्लॉट एक एक्चुअल स्पाई की लाइफ से लिया गया था और इस पर एक बुक भी बेस्ड है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 फिल्म्स के बारे में बताएंगे विच आर एक्चुअली बायोपिक्स बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा, गुरुकांत देसाई। नंबर 10, पैडमैन। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पैडमैन एक इम्पोर्टेंट फिल्म है एज इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज जो हमारी कंट्री में काफी कॉमन है। हम फिल्म में अक्षय कुमार को लक्ष्मीकांत नाम के कैरेक्टर में देखते हैं जो अपनी वाइफ के लिए एक लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाना चाहता है। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो बट ये फिल्म एक्चुअली में एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। रियालिटी में सोशल एक्टिविस्ट अरुणाचलम मुरुगनंथम ने एक लो कॉस्ट पैड मेकिंग मशीन क्रिएट की थी जिनके बारे में पूरे वर्ल्ड मीडिया में लिखा गया था। इट इज सेड कि वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म, प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना और डायरेक्टर आर बाल्की ने अरुणाचलम की लाइफ से बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। बहन को कोई ऐसी चीज देता है क्या? नहीं देता, पर देना चाहिए। राखी बांधी थी ना, तो रक्षा का वचन निभा रहा था। नंबर 9, द डर्टी पिक्चर। द डर्टी पिक्चर वॉज वन सच फिल्म जिसने एक्ट्रेस विद्या बालन को वो रिकॉग्निशन दिया था जो वो हमेशा से डिजर्व करती थी। फिल्म में हम उन्हें एक 80s की एक्ट्रेस सिल्क के कैरेक्टर में देखते हैं एंड द वे शी हैज प्लेड सच अ लेयर्ड कैरेक्टर वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। जहां आज द डर्टी पिक्चर इज पॉपुलर अमंग द मासेस फॉर इट्स सॉन्ग्स एंड बोल्डनेस, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि फिल्म एक्चुअली में एक बायोपिक है। फिल्म एक कॉन्ट्रोवर्शियल इंडियन एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की लाइफ से इंस्पायर्ड है और इसी वजह से फिल्म में विद्या बालन के कैरेक्टर का नाम भी सिल्क था। कीरा दास, हमने फिल्म उसके लिए नहीं बनाई है, हमारे तकदीर का फैसला फ्राइडे करेगा। नंबर 8, कागज। 2021 में रिलीज हुई फिल्म कागज एक सोशल कॉमेडी ड्रामा थी वेयर वी सॉ एक्टर पंकज त्रिपाठी प्लेइंग द लीड रोल। फिल्म में पंकज भरतलाल नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं जिसको फिल्म में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया है। हम पूरी फिल्म में देखते हैं कि भरत सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करता है टू प्रूव दैट ही इज नॉट डेड। वेल, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि फिल्म कागज की स्टोरी एक रियल लाइफ पर्सन के ऊपर बेस्ड है। Yes, you heard it right. Film famous social activist Lal Bihari ki life se inspired hai. Lal Bihari ji ne real life mein 20 years struggle kiya tha to prove to the government that he is not dead. Bharat bhaiya, kaun mar gaya? Hum hi mar gaye. नंबर 7, बुधिया सिंह बॉर्न टू रन। 2016 में रिलीज हुई फिल्म बुधिया सिंह में हम एक बुधिया नाम के लड़के की कहानी देखते हैं। शायद ये बात कोई नहीं जानता होगा कि ये बायोपिक सबसे यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पर बेस्ड है। As the name suggests, the film is a biopic on the life of Buthia Singh, जो कि एक world champion marathon runner है। वो उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे और फिल्म में उनकी पूरी स्टोरी दिखाई जाती है। फिल्म में हमें उनके कोच का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जिसको मनोज बाजपेयी ने प्ले किया है। As always, उन्होंने यहाँ पर भी एक हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस दी थी which made the film so entertaining. If you haven't seen this brilliant film, then we would highly recommend you to watch Buthia Singh. New friend Buthia. बोलो Buthia, सुबह से क्या किया बेटा? हगार भगा। Number 6, Shahid. You'll agree when we say कि Hansal Mehta directed film Shahid is a masterpiece. फिल्म की स्टोरी शाहिद नाम के ह्यूमन राइट्स लॉयर के अराउंड रिवॉल्व करती है। फिल्म में शाहिद का रोल प्ले किया था राजकुमार राव ने। ये उनकी वन ऑफ द फर्स्ट लीड फिल्म्स में से एक थी, बट इफ यू वॉच द फिल्म यू विल रियलाइज कि उन्होंने इस कैरेक्टर को कितने एफर्टलेसली प्ले किया था। फिल्म शाहिद से रिलेटेड एक अननोन फैक्ट ये है कि फिल्म एक रियल लाइफ कैरेक्टर की स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म फेमस लॉयर और एक्टिविस्ट शाहिद आजमी की बायोपिक है एंड इट इज वन ऑफ दोज बायोपिक फिल्म्स जो बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करती है। डू यू ऑनेस्टली बिलीव कि जिन लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है वो गिल्टी होते हैं? फिर ऐसे तो हमें जुडिशरी की जरूरत ही नहीं, मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया और आप गिल्टी हो गए, राइट? नंबर 5, अलीगढ़।
2016 में रिलीज हुई फिल्म अलीगढ़ एक क्लास अपार्ट फिल्म है जिसे डायरेक्टर हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी एक ओल्ड एज प्रोफेसर सिरस के अराउंड रिवॉल्व करती है जिनको अपने कॉलेज से निकाल दिया गया था फॉर बीइंग इन्वॉल्वड इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप। एज वी सेड, अलीगढ़ एक मास्टरपीस है विद अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय मनोज बाजपेयी हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर सिरस। लेट अस ऑल्सो टेल यू हियर, फिल्म एक्चुअली में एक बायोपिक है ऑफ रामचंद्र सिरस। उन्हें रियल लाइफ में अपने कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया गया था और उसके कुछ दिन बाद ही वॉज फाउंड डेड इन हिज अपार्टमेंट। अलीगढ़ प्रोफेसर सिरस की लाइफ को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ दिखाती है एंड वी वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म इफ यू हैव नॉट। Am I drunk? Not yet. Then I'll have one more. नंबर 4, बैंडिट क्वीन। 1994 में रिलीज हुई फिल्म बैंडिट क्वीन एक एंगेजिंग क्राइम एपिक है विद ग्रेट एक्टिंग परफॉर्मेंस बाय लेजेंडरी एक्टर सीमा बिस्वास। फिल्म में सीमा बिस्वास एक डकैत का कैरेक्टर प्ले करती है जो कि रियलिटी में फूलन देवी से इंस्पायर्ड है। फूलन देवी, एज वी ऑल नो, एक बहुत ही पावरफुल बैंडिट थी हु वाज ऑलवेज इन द न्यूज फॉर हर एक्शंस। फूलन देवी हूं मैं। देवी। नंबर 3, ओमेर्टा। हंसल मेहता डायरेक्टेड ओमेर्टा एक हार्ड हिटिंग थ्रिलर है विद सुपर्ब एक्टिंग बाय राजकुमार राव। फिल्म में राजकुमार उमर सैयद नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं हु इज अ टेररिस्ट। ओमेर्टा वाज वन सच फिल्म जहां पर हमने राजकुमार की नेगेटिव साइड देखी थी एज ही प्लेड एन एक्सट्रीमली फ्लॉड कैरेक्टर इन द फिल्म। लेट अस टेल यू हियर कि ओमेर्टा एक्चुअली में एक बायोपिक है। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ फेमस टेररिस्ट उमर सैयद शेख। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म कभी भी उमर के एक्शंस को ग्लोरीफाई नहीं करती बल्कि इट शोज हिज लाइफ विदाउट एनी जजमेंट। दिस इज अ क्वालिटी जो हमें बायोपिक फिल्म्स में कम ही देखने को मिलती है एंड ओमेर्टा इज ट्रूली अ रेयर फिल्म। हाउएवर, ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि ओमेर्टा जैसी फिल्म के बारे में आज मासेस में इतनी बात नहीं होती है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम काफिरों का सर हम ऐसे ही झुकाएंगे अपने जिहाद और अपनी ताकत से। नंबर 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर। वी ऑल नो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर इतनी लेयर्ड गैंगस्टर फिल्म है जिसको आप जब भी देखें तो आपको कुछ नया देखने को मिलता है। इट इज अ फिल्म विद अ ड्रीम कास्ट फिल्म विद सुपर टैलेंटेड एक्टर्स। जहां आज सबने ही फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को देखा है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर कि फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से काफी इंस्पायर्ड है। फिल्म के राइटर जिशान कादरी ने रिवील किया था कि फिल्म की स्टोरी वासेपुर में रहने वाली गैंगस्टर फैमिली से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई थी। नंबर 2 स्पॉट पर वी ऑल्सो हैव अनदर फिल्म कॉल्ड झुंड। वी ऑल नो दैट झुंड एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जहां पर हम अंडर प्रिविलेज बच्चों की स्टोरी देखते हैं हु ट्राई टू लर्न द गेम ऑफ फुटबॉल। इसमें उनकी मदद करते हैं एक स्पोर्ट्स टीचर जिनका कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था। Let us tell you here that this character was actually inspired from the life of a social activist, Vijay Barse. Vijay kai decades se underprivileged bachchon ke saath kaam kar rahe hain and it was his life story that inspired filmmaker Nagaraj Manchale to make the movie. Ye bachche ek patthar maar kar suar ko maar girate hain. Inke haathon mein patthar ki jagah agar ek gend thama di jayegi to ye vishw ke sabse tez gendbaaz ban sakte hain. नंबर 1, स्वदेश। 2004 में रिलीज हुई फिल्म स्वदेश को आज हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म्स में काउंट किया जाता है। फिल्म को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने और फिल्म में लीड रोल प्ले किया था शाहरुख खान ने। फिल्म की स्टोरी मोहन नाम के एक नासा साइंटिस्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है जो इंडिया में अपने गाँव वापस आता है। हम फिल्म में देखते हैं कि कैसे मोहन अपने गाँव में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाने की कोशिश करता है। स्वदेश, इन आर ओपिनियन, वॉज अ ट्रू पेट्रियोटिक फिल्म विद नो चेस्ट थम्पिंग नेशनलिज्म। स्वदेश से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फिल्म एक्चुअली में एक बायोपिक है। इट इज सेड कि फिल्म की स्टोरी दो साइंटिस्ट अरविंदा एंड रवि की लाइफ से इंस्पायर्ड है। इन साइंटिस्ट ने इंडियन विलेजेस में कई इलेक्ट्रिसिटी प्लांट सेटअप किए थे और आशुतोष ने फिल्म की स्टोरी लिखते वक्त इन दोनों साइंटिस्ट की लाइफ पर काफी रिसर्च की थी। सो यू कैन इजिली से कि फिल्म के बहुत से एलिमेंट्स इनकी स्टोरी से लिए गए हैं। इसी तरह के विचार, ये रीति रिवाज, परंपरा, ये सब देश को जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक्सक्यूज मी, परंपरा और संस्कार के बिना हमारा देश यूं होता जैसे आत्मा बिना शरीर। वीडियो खत्म करने से पहले वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप हमें बताएं कि इन सारी बायोपिक्स में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए दासर आप ऑन दिस वीडियो, आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं एट सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।